कि सर प्रमोशन हो गया मेरा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया है अभी रिसेंट, एक मैसेज था इसका नहीं किसी और का, तो लेक्चरर इन मैथमेटिक्स में ज्वाइन करना छोटी सी बात है? अभी एसएससी सीजीएल अभी जो रिजल्ट आया था तो 10-12 लड़कों का वो आया था, उसमें की जो अलग अलग बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, और ये लड़का तो मिठाई खिलाने पहुंच भी गया तुम्हारे बीच में, तो ये छोटी सी बात है? अब इसमें और तुम्हारे में जो ना जो ये फर्क है, जैसे ये यहां पर खड़ा है और तुम वहां बैठे हो, मैं डिफरेंस ऑफ एफर्ट्स, एक दिन हमने यहां पर एक फंक्शन करवाया था, उस फंक्शन में कमिश्नर आया था एक, उस कमिश्नर ने कहा था कि इंटीग्रिटी टू वर्ड्स योर सेल्फ, इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी, हमें पता होता हमारी कमजोरी कहां है, हमें यह भी पता होता हमारी स्ट्रेंथ कहां है। और जैसे जो ये बात बोलते हैं कि भाई पेपर जो फेल होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं, तो 12-13 पेपर फेल, ऐसा कोई नहीं होता जो सीधा ही पास कर गया, हाँ या ना? तो ये कहानी है लगातार फेल 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 फेल, पास तो एक ही तो होना है, वैसे तो इसके कई पेपर पास है, तुम्हें भी यही करना। बीच में कितनी बार निराशा आई? बहुत बार आती है। फिर ओवरकम कैसे किया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हें पता लग रहा है क्या डिफरेंस है? तो अब की बार कर दोगे काम? यस सर। तो तुम हर एक बात पर मारते हो, एक आधा न्यू तो कहते हैं ना, बोला मेरे उसकी कौन आ जाए। बहुत हो गया जी, हैं क्यों भाई? चलो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक। एक फोटो लो तुम कोई। संदीप तू ले ले, अरे तू भी लग जा, अरे तू बीच में आके फोटो ले, तू भी क्या याद रखेगा। इधर से ले, इधर से। और कैसे ले? बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। थोड़ी देर बैठना, मैं क्लास लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे ना। मैं चल खा ही लेता हूँ, तू भी ये लो खाओ, बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम को भी दे दो एक। बैठो भैया बैठो, थोड़ी पीछे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, नहीं तो स्टूल ले आओ। अरे कूलर क्यों नहीं चला रखे यार तुमने? मैडम क्यों मना करती है? मैडम को बोलना पड़ेगा थोड़ा घी खाया करो मेरे एक डाल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएचएसएल के एग्जाम चालू हो गए? बहुत बढ़िया, तुमने भर तो रखे ही होंगे? बहुत अच्छा, पास हो जाए तो बढ़िया, अब पास ना हो जाए तो मेरा पेपर लिखते। कुछ दिनों बाद या तो तुम्हारे पास जॉब होगी और या तो बहाना, हाँ या ना? अगर तुम चाहते हो पेपर लीक ना हो, ये भ्रष्टाचार खत्म हो, बाकी चीजें खत्म हो, तो आवाज उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? और नहीं तो फिर भाई तुम लोगों को ऐसे ही करना है। अरे भाई भिवानी वालों तुम लोग लेट आए स्क्रीन पर। बुला के ला उसको, भिवानी वालों को दिखाएंगे। रजत को नीचे से बुला ला, तू बुला ला।
एक तो कुछ महान व्यक्तियों ने धीरे 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 ये लंबे टाइम के षड्यंत्र होते हैं, लंबे टाइम के षड्यंत्र, ये ट्रिग्नोमेट्री कभी काम नहीं आती, ये ज्योमेट्री कभी काम नहीं आती, ये पढ़ाई कभी काम नहीं आती, ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता, धीरे 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 एक विचार को प्रमोट किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये ही पढ़ाई है जिसके दम पर ये लड़का एसएससी सीजीएल लग गया। पहला तो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल ये है। यही पढ़ाई है जिसके दम पर मैंने अभी बताया था अजय दलाल लड़का, उसका मैसेज था मेरे पास कि सर टीजीटी मैथमेटिक्स से प्रमोट करके हमने आगे लेक्चरर में जो है ज्वाइन कर लिया है। अभी एक दो साल पहले ही पटवारी लगा था, वो यहां आया है। पटवारी लगने के बाद पटवारी की जॉब छोड़ करके टीजीटी साइंस लगा था और टीजीटी साइंस से प्रमोट होकर के पीजीटी मैथमेटिक्स। तो ये वही पढ़ाई है जिसके दम पर ये सब कहानी है। और जो मैं ये बोलता हूं कि अलग अलग कहीं भी वैकेंसी है, उन सभी वैकेंसियों का एक ही तरीके से तैयारी की जाती है, वो सभी वैकेंसी एक ही जगह से सिलेक्शन होता है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यही पढ़ाई है, यही तैयारी है और यही इसकी प्रैक्टिस है, और क्या कहानी है। तो जो जब भी तुम्हें जो ना, जैसे अगर तुम लोगों को ये लगता है कि भयंकर षड्यंत्र हमारा देश गुजर रहा है, षड्यंत्र से तुम लोगों को सामने दिख रहा है, आज यहाँ इलेक्शन हो जाएगा ना तो आज ही खत्म हो जाएगा कोरोना, या मैं झूठ बोल रहा हूँ अपनी तरफ से? ये सेंटर क्लास स्कूल इनके ऊपर ये बात वो बात, हद दर्जे की बेशर्मी है, हद दर्जे की बेशर्मी की। टीचर्स को बड़ी मुश्किल से जो है, इसलिए बुलाया तुम्हें कि भिवानी ब्रांच अब सामने है, तब नहीं थी, तुम्हें देख करके बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हाँ भैया भिवानी ब्रांच देखो, ये वहीं से है तुम्हारे वहां से या नहीं है? इन्हीं बेंचों पर बैठा था, यहीं पर पढ़ा था, ऐसे ही तैयारी हुई थी। भिवानी ब्रांच का 2019 का एक वाक्य याद दिलवाऊंगा तुम्हें, अगर कोई था तब तो। एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी और मैंने कहा था कि बहुत भयंकर दौर आने वाला है अगर उस पार्टी को वोट दिया जाता है जहां से चंदे का नहीं पता, जिसमें कि अपराधी है। बहुत बढ़िया, कुछ ही लोगों को दिख रहा, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा। एक बार ताली बजा के दिखाओ भिवानी वालों, खड़े हैं बैठे हैं। मैं यह कह रहा था कि सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनवानी चाहिए कि पिछले 5 साल में हमने नोटबंदी करी तो ये फायदा हुआ, जीएसटी लगाया तो ये फायदा हुआ, लोगों की जिंदगियां ऐसे आसान बन गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वो। बल्कि वोट उस बात पर नहीं लिए गए। पुलवामा में एक प्रायोजित अटैक करवाया गया और प्रायोजित अटैक करवाने के बाद फिर मामला आके तुम्हारे सामने है। बिहार में इलेक्शन था तो चीन की गलवान घाटी के साथ, और अभी बंगाल में है तो तुम्हें कुछ तो कोऑर्डिनेशन लगता होगा या कुछ भी नहीं लगता? मैं ऐसे ही बातें कर रहा था तो बोला इसका मतलब तुम पप्पू तो वोट दे दे भिवानी ब्रांच से। मैंने कहा ये मैंने कब कहा, तुम पप्पू को दो या पप्पू को ना दो, तुम थे तब? तुम नहीं थे उस क्लास में। बोला हम ये है वो है, मैं साथ तुम भागो यहाँ से। तो उसके साथ जो कुछ लोग और जो उठे उसके गैंग के आदमी, मैंने कहा इनको सबको भगाओ। तो बोला जी ये तो 40-50 है, मैं या तो इनको भगा नहीं तो ब्रांच बंद कर रहा हूँ। अगर हम गलत और सही नहीं बोल सकते, यहाँ क्लास क्लास की बात थोड़ी है। फेसबुक की वो वीडियो कितनी वायरल हुई है, पूरे देश में किसने नहीं देख ली, उसमें क्या गलत कहा गया है? गदर मचा दिया बिल्कुल। कल बंद होंगे कि नहीं होंगे पता ही नहीं है, परसों बंद होंगे कि नहीं होंगे पता ही नहीं है, कितने दिन पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते पता ही नहीं है। और ये अब की बार खत्म हो जाएगा। अब जो थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि कोरोना खत्म हो रहा, खत्म तो आगे ये दोबारा फिर पिछले साल से ज्यादा। मजे की बात क्या है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में कहीं कोई टेंशन नहीं है। इवन भारत में भी जहाँ इलेक्शन है वहाँ कोई टेंशन नहीं है। ये तो ऐसा हथियार आ गया, जब चाहे जब नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और रगड़ दो सब चीजों को, तेल निकाल दिया, सब कहेगा ना तो पढ़ाई करनी, ना नौकरी देनी, ना कोई टेस्ट, ना कोई सोल्यूशन, कोई कहानी नहीं बच गई है। चुपचाप बैठ करके सुनोगे, हाँ लबराल मचा दिया, इब करें तक करें, तो कुछ मत करो, तुम्हारा तेल और निकाल देंगे। या तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, या तो बोलना पड़ेगा, या तो लड़ना पड़ेगा। वहीं से कुछ लोग वैसा करके गए, उनके में से कोई नौकरी लगाओ तो मेरे को बताना, और वहीं से ये लड़का पढ़ के जॉब लग गया। भिवानी से बहुत बच्चे लगते हैं लेकिन यहां तक कम पहुंचते हैं, जैसे मैसेज बहुत लोगों के आते हैं। हर ब्रांच से ही होते हैं सिलेक्शन, जो पढ़ेगा चाहे ब्रांच में पढ़ना चाहिए यहाँ। कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रांच में पढ़ने का और यहाँ पढ़ने का, फिजिकल का और डिजिटल का, तो ये नौकरी की गारंटी है भाई, जो पढ़ेगा वो लग जाएगा। इन लोगों ने और क्या कर दिया, और इन लोगों ने क्या अलग से कर लिया? वही कहानी, वही पढ़ाई, वही तैयारी, वही सब कुछ, डिफरेंस ऑफ एफर्ट्स। चलो एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं भिवानी वालों को, एक बार हेलो कर दो तुम। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब हम।
एक एक बच्चे का जब सिलेक्शन होता है तो दूसरों को लेनी चाहिए प्रेरणा कि मुझे भी बहुत जल्दी जो है वहां तक पहुंचना है और हर रोज पढ़ना। जैसे बच्चों को हम यहाँ क्यों बुलाते हैं, इससे प्रेरणा मिलती है सब लोगों को कि हाँ ये लग सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसकी लाइन कितनी बढ़िया थी कि अगर सर कर सकते तो मैं क्यों नहीं, तुम लोगों के पास ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं, सर कर सकते मैं क्यों नहीं, कुछ लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं। हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करेंगे। बड़े ध्यान से पढ़ना सीखना, एक बार करके छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला, करके बार बार रिपीट करना होता बात तब बनेगी। ये क्या लिख रखा? ट्री, ट्री, ट्री मतलब तीन, ट्री गौन, गौन मतलब भुजाएं साइड्स, और मीट्री मापन, मेट्रोन से आता है, ट्राई गौन मेट्रोन, ये सही शब्द था। ट्राई मतलब तीन, गौन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला, मेट्रोन मतलब मापन। क्या तुम मेरी बात समझ गए? Yes, सभी को समझ में आ रहा है? Yes, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बातें करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दो कोण न्यून कोण एक्यूट एंगल होते हैं, ये राइट एंगल है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? Yes, बहुत बढ़िया। इसमें भुजाएं कितनी है, कोण कितने, समकोण कितने, सभी को आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब हम या तो इसको थीटा मान सकते हैं और या तो इसको थीटा, किसी को भी मान सकते हैं, अपने हाथ की बात है। आया ना? Yes, सभी को समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थीटा के जो सामने कोण होता है इसको अपोजिट साइड जो भुजा होती है या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो थीटा के साथ लगती है इसको बेस, और जो इस 90 डिग्री के सामने होता है इसको हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इतनी इंग्लिश तो सबको आती होगी। एक आधा ऐसे जिसको लंब कर्ण और आधार लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं तो मत लिखना, तुम्हें इतनी आती होगी, और आगे मैं जो यूज करूंगा मैं यही बातें यूज करने वाला हूं। आधार, ये कर्ण और ये लंब। क्या तुम मेरी बात समझ गए? Yes, इसके अंदर जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ी सी ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए, कम से कम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इतना तो नाम सुना होगा? किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर ये 90 डिग्री और ये थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का जोड़, समकोण बनाने वाली भुजाएं बेस और परपेंडिकुलर है, इट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये सबको आता है? Yes, और क्या सभी लोगों को ट्रिपलेट याद है? Yes, पहला ट्रिपलेट क्या है? चलो इसी में करता हूं, पहला ट्रिपलेट क्या है? वेरी गुड। तीन चार पांच, इसका डबल बोलो जल्दी से, इसका तीन गुना, इसका चार गुना, 12 16 सबको आ रहा है, पांच गुना 15, इसका आधा बोलना, सभी को आ रहा है क्या? इसका 10 गुना बोलना। अब ये कुछ भी हो सकता है, 11 गुना 12 गुना, ऐसे जो कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 का किसी भी मल्टीपल्स में हो सकता है। पहले दोबारा बोलना जल्दी से, 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 17 20 25 21 22 सबको आ रहा है? Yes, यहां से दूसरा ट्रिपलेट होता है 5 12 13 डबल करो, 3 गुना करो, आधा करो, सबको आ गया? Yes, 5 गुना करो, सभी को आया? Yes, पहला ट्रिपलेट बोलना जल्दी, 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 सबको आ गया? Yes, लिखना पसंद करोगे? Yes, लिख लो जल्दी, जिन्होंने लिख रखे हैं वो दो दो बार लिख लो, पिछली बार लिखने से काम बन जाता ना तो तभी लग जाते नौकरी, अभी और लिखने की जरूरत है। जब तक नौकरी ना लगे और प्रैक्टिस का मौका मिले तुरंत प्रभाव से खींच के ले दिया करो बात को। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, 11 से 2 तुम्हारा, इसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है,
क्लासेस चलती रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो फिर हम लोगों को वैसा करना पड़ेगा। वीडियो तो पूरे देश में बहुत बढ़िया तरीके से वायरल हुई है, लेकिन अभी कुछ उधर से जो है वो नहीं आया मामला कि हम खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। लिख दिए? Yes, दोनों ट्रिपलेट लिख दिए? वेरी गुड, जल्दी लिख दो ना। पहला तो लिख दिया होगा? Yes, पहला भी नहीं लिख लिया? सात चौबीस पच्चीस, डबल कर दो, तीन गुना कर दो, इतने बहुत हैं, जल्दी लिख दो। ये तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट लिख दो। सभी ने लिख दिए? Yes, sir. बात पक्की? Yes, sir. बहुत बढ़िया। आठ पंद्रह सत्रह, डबल बोल दो जल्दी, तीन गुना बोल दो, सभी को आ रहा क्या? वेरी गुड। छठा बोल दो, बारह पैंतीस सैंतीस, डबल बोल दो, इतना ही आया आज तक। और 20, 21, 29, ये सातवां ट्रिपलेट है। सभी ने लिख दिए? Yes, sir. बात पक्की? Yes, sir. वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर दूं साहब? Yes, sir. अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसके अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ऐसा हम पहचान लेंगे। Yes, sir. बात पक्की है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर, सभी समझ गए? वेरी गुड। दो ट्रायंगल जरूर बनाना तुम मेरे कहने से, एक ट्रायंगल बना करके ऐसे ऐसे और ऐसे, इस पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है, मेरी बात समझ गए? और एक और ट्रायंगल उसके बराबर में ऐसे ही बनाना, उस पे ये राइट एंगल और थीटा यहां बनाना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। थीटा के एडजेसेंट जो साइड होती है वो बेस कहलाती है। अब थीटा नीचे या ऊपर हो सकता है। बेरी वालों सही से बैठो, लेटो मत, अगली तीन लड़कियां तो लेटने को बेचारी सो जाएंगी थोड़ी देर में। दीवार से थोड़ा सा हटके बैठ जाओ बेरी वालों, तुम लोगों को भी अगली भर्ती में नौकरी लगना है। ये लिख दिए? बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये लिखने आ गए? वेरी गुड। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री वापस से। यहां पर जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूज है, इसका जो रेशियो है उस रेशियो का नाम है साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन जो थीटा के सामने वाली साइड और 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इन दोनों का जो रेशियो है वो साइन थीटा, नाम रख दिया उसका। साइन थीटा नाम है। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा किस चीज का नाम है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का नाम है, ठीक है? Yes, इसके बाद कॉस थीटा किस चीज का नाम है? बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का। और टेन थीटा किसका नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सभी को आया? साइन थीटा का अपोजिट होता है
कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है ये, हाइपोटेन्यूज अपॉन और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, बेस अपॉन लिख दो एक बार, डिफरेंट टी रेशियोज ऐसे लिख दो, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं। हाँ भैया फरीदाबाद निवासी हो, क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारी तरफ से कुछ दिन पहले सिलेक्शन हुआ था एक, अभी टोटल फ्रीक्वेंट नहीं हुआ फरीदाबाद, कि जब भी भर्तियां निकले तभी सिलेक्शन, जब भी भर्तियां निकले तभी सिलेक्शन, थोड़ा सा पढ़ने पर और ज्यादा ध्यान दो तुम लोग तब बात बनेगी। तुम लोगों से ज्योति मैडम नाराज थी, वैसे भी होली मना ली, उसको रंग नहीं लगाया तुम लोगों ने, लिख दिया सबने। ये साइन थीटा क्या है, रेशो का नाम है, क्या है ये साइन थीटा, किस चीज के रेशो का नाम है, कॉस थीटा किसका, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कॉट थीटा। ये याद होने के बाद अच्छे लगते हैं, जब तक याद नहीं होते तब तक बहुत भयंकर काम करते हैं ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सभी को आ रहा है समझ में, तो जो ये पहला ना ये है साइन थीटा, दूसरा, तीसरा टेन थीटा, चौथा साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन, जब तक रटता नहीं है तब तक ऐसे टेबल बनाने में कितनी देर लगनी हमारी, पहले वाला क्या बनेगा इसमें, दूसरा, तीसरा, टेन का अपोजिट सिकेंड का, कॉस का सिकेंड, साइन का एस का उल्टा सी है, सी का उल्टा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है बात बनी, बहुत बढ़िया, कोई डाउट है, बहुत ही अच्छे, यहां से आगे बढ़ूं क्या, ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई, बहुत बढ़िया। जैसे एक ट्रायंगल दे ऐसे, और यहां लिख दे थीटा, और यहां लिख दे तीन, और यहां लिख दे चार, और कहे फाइंड साइन थीटा, ऐसे कर दे, तुम मेरी बात समझ गए क्या, पहले तो यहां क्या लिखना चाहिए, और साइन थीटा क्या लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन, तो क्या लिखना चाहिए, तीन बटे, क्या ये सभी को समझ में आ गया, बोलो नहीं आया, पक्का, या ये कह सकता है इफ टेन थीटा इज फाइव बाई ट्वेल्व देन फाइंड कॉस थीटा, तुम्हें समझ में आया, तो यहां तुरंत प्रभाव से ऐसे बनाएंगे, थीटा लिखेंगे, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये पांच, ये बारह, ये कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बारह बटे, क्या ये बात तुम्हें पल्ले पड़ी सबको, कोई डाउट है, क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो बाद में फिर ये मत कहना ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आई, ऐसे सवाल आ सकता तुम्हारे सामने कभी भी, क्या आया, देखो जिनको आता है उनको तो टेंशन है ही नहीं, टेंशन उनको जिनको नहीं आता है उनको लिखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले वाला साइन थीटा, दूसरे वाला, तीसरे वाला, सब समझ गए, सो साइन थीटा इज बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, चार बटे, और ऐसे करके ट्रेन वो बना देंगे, क्या क्या लिखूं, यहां यहां इसको चाहिए क्या, साइन थीटा क्या लिखूं, प्लस क्या चाहिए, क्या लिखूं, टेन थीटा, बोलो बोलो, माइनस तीन बटे,
सबको आया? Yes, ये साधारण भिन्न का सवाल है, ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे ये सबको आता है? Yes, ये लाइन किसको नहीं आती? Yes, यह साधारण भिन्न का सवाल है, ऊपर सभी को आ रहा क्या? Yes, बात पक्की है? Yes, आगे बढ़े हम? Yes, बहुत ही बढ़िया। तो क्या है ये? सात बटे और ये बटे नीचे तो आया बारह, सोलह माइनस नौ सात बटे, नीचे वाला घूम के उल्टा तो गुणा बारह बटे सात, सात से सात कटेगा, आंसर क्या आया? बारह बटे ए सही उत्तर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना हो रहा या नहीं है? पक्का आ गया? कोई डाउट? क्लियर? बिल्कुल क्लियर? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर अपॉन ट्राइंगल बना दूं? yes, सबको आ गया? yes, साइन थीटा चार बटे जमा बटे माइनस, सबको आ गया? yes, क्या आया? कितना उत्तर आ गया? सभी को आया? वेरी गुड। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के अंदर इस प्रकार के सवाल तुम कर पाओगे। सभी को क्लियर आ गया? yes, भाई किसी भी ब्रांच में कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हो या यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसको सीखना तो है और समझ में आना नहीं चालू हुआ है, तो फिर जो है मुझे बताएं। इसके अंदर जिन्होंने पहले नहीं सीख रखा, पहले नहीं आता था, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने दो तीन बातें बताई हैं। पहली बात बताई है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट। उसके बाद मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो ये नाम है, ये नाम कहाँ से आते हैं, इतनी सी बात बताई है। इसके आगे हम सवाल कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? yes, क्या लिखा? कॉट थीटा बेस अपॉन, सबको आया? वेरी गुड। ट्राइंगल लिखेंगे तीन चार पाँच, थ्री साइन थीटा, थ्री इंटू फोर बाई फाइव प्लस फोर इंटू थ्री बाई फाइव अपॉन फोर इंटू फोर बाई फाइव माइनस, सबको आया? बारह बारह चौबीस बटे पांच बटे सोलह बटे पांच नौ बटे पांच सात बटे पांच। अगर दूसरा चौथा बराबर हो ना, दूसरा चौथा तो डायरेक्ट काट सकते हैं ऐसे। चौबीस बटे बोलो, नहीं आया? इस प्रकार के भिन्नों में अगर दूसरा और चौथा डायरेक्ट बराबर है तो डायरेक्ट काट देंगे, उत्तर जो बच गया वही है। और अगर पहला तीसरा होना तो फिर उल्टा करना पड़ेगा काटने के बाद। पहला तीसरा कट रहा है पहले से तीसरा, तो फिर उनको काटने के बाद उल्टा करना पड़ेगा। क्या तुम समझ गए? ऐसा करने से हम एक दो सेकंड चार सेकंड बचा सकते हैं। खाम इसको हम उल्टा करेंगे, ऊपर पांच नीचे सात ऐसे फिर काटेंगे, तब ये गड़बड़ बनेगी। क्या तुम्हें क्लियर बात हुई? ऐसा कोई है जिसको पास होना और सवाल नहीं आया? तो ऐसे पहले सवाल सीखने और उसके बाद प्रैक्टिस करनी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। टेन थीटा बराबर यही साइन थीटा में क्या लिखूं? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन ए अपॉन अंडर रूट। सबको आ गया? yes, नीचे तो एलसीएम आ जाएगा? yes, यही आएगा? yes, यहाँ भी यही आएगा? yes, कटेंगे? yes, ऊपर क्या बचेगा? yes, नीचे? yes, सबको आ गया? yes, पक्की बात? yes, एक शॉर्टकट बता दूं अब? वेरी yes, गुड। इधर टेन थीटा आए और इधर साइन और कॉस ऊपर नीचे आए। साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए बीच में। तो जो यहाँ पर ऊपर है ना ये साइन थीटा और ये जो नीचे है ये कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन, तो साइन थीटा की जगह सीधा ए प्लस कॉस थीटा की जगह बी, ए माइनस बी, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ऐसा ही सवाल एक दो और गया है, जैसे यहाँ पर कॉट थीटा था, कॉट थीटा तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन, डायरेक्ट लिखेंगे इतना ड्रामा किए बिना। साइन थीटा की जगह चार चार थे और कॉस थीटा की जगह तीन तीन चौक बटे चार चौक माइनस तीन तिया, तो ये हो गया चौबीस बटे सात। डायरेक्ट उत्तर हो सकता है? हाँ या ना?
लेकिन ये सुविधा तब मिलेगी जब ऊपर नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा और प्लस और माइनस में हो, बस गुणा में नहीं होने चाहिए। क्या गुणा में? सभी समझ गए? आगे बढ़ूं क्या? टेन थीटा आया, ऊपर वाले को लिखेंगे साइन थीटा, नीचे वाले को, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? जमा तीन बटे चार माइनस तीन सात, थोड़ा टाइम बच जाएगा। हाँ या ना? जैसे सवालों को कई बार करने के बाद ये बात बनेगी, इसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसमें साइन थीटा कॉट थीटा आ गया, नीचे टेन थीटा कॉट थीटा, तो इसमें नहीं है सुविधा उपलब्ध है। क्या तुम सभी समझ गए? सभी को आया? बात पक्की है? क्या तुम्हें सवाल आता है? क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल चार पाँच तीन, साइन थीटा चाहिए, ऊपर नीचे साइन कॉस है, तो साइन परपेंडिकुलर ले लो और कॉस को बेस ले लो, तो तीन चौक बारह जमा पंद्रह और ये पाँच चौक बीस माइनस नौ, तो ये सत्ताईस बटे, बोल दो ना नहीं आया? पक्का गया? किसको नहीं आया? अब इसके आगे तो ये सवाल करके देखने पड़ेंगे तुम्हें, इसको करके देख लोगे? इसमें टेन थीटा साइन थीटा को क्या मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर एक है। साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कुछ भी आ गया तो डायरेक्ट मत मान लेना। समझ गए? Yes, या नहीं समझ गए? वेरी गुड। बदलना पड़ेगा? Yes, कर लोगे? Yes, और ये yes, कर लोगे? Yes, कहां से करोगे? तुम्हारे पास है ये नोट्स हैं तुम्हारे पास? ऐसा सवाल आएगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। संदीप कहाँ है? हाँ भैया, प्रिंट आउट मिल सकते हैं इनको या नहीं? ऐ कल मिल जाएंगे? स्टेटस पर इतने सवाल लगाने के बाद पब्लिश नहीं होते, यूट्यूब पर कहाँ लगाऊं? डिस्क्रिप्शन लिंक में, कौन सी चैनल पे, कौन सी उस पर वीडियो पर लगाऊंगा? ऐप पर लग सकता है? ऐप पर लगा देंगे। कौन सी वीडियो पर? इसी पर तो सब लोग जो है, सबके पास नहीं है ना, ये सभी के पास नहीं है, है? है? उसमें कोई पीडीएफ नहीं लग सकती ऐसे? ऐप पर जो जर्नल सेक्शन है, ऐप पर फ्री वाला जो सेक्शन है, उस फ्री वाले सेक्शन में जो भी लास्ट वीडियो मिलेगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐप है आईसीएस कोचिंग सेंटर, आईसीएस आईसीएस होमवर्क ऐप, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें फ्री वाला जो सेक्शन है उसमें जो वीडियो है उस वीडियो के ऊपर ये लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ये मिलेगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें।